हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपनी थर्ड यूनिट को स्टार्ट करेंगे और जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो NVS का एग्ज़ाम है वो काफ़ी क्लोज़ आ गया है। ऑलमोस्ट हमारे पास 10 डेज़ ही हैं और इन 10 डेज़ के अंदर हमें अपना जो बचा हुआ सिलेबस है उसे कंप्लीट करना है। तो हम एक तरीके का बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे जिससे हमारी सारी चीज़ें एंड टाइम तक कंप्लीट हो जाएं और कुछ समय हमें फिर से रिवीजन करने का टाइम भी मिले। तो आज हम अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 3। और इसमें जो आज का टॉपिक होगा हमारा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने जो किया था वो किया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है, आज हम देखेंगे कि सेल की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है और सेल का स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और उसके कौन कौन से फंक्शन है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसकी। तो पहला हमारा पॉइंट आता है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो पहले मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल इज़ ए यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी मेड ऑफ एन ऑर्गेनाइज मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाई अ प्रोटेक्टिव एंड सेलेक्टिवली परमीबल कवरिंग। तो सेल हमारी एक यूनिट है किस चीज़ की, बायोलॉजिकल एक्टिविटी की, मतलब जो हमारी बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है उसकी जो यूनिट है वो सेल है। और सेल में क्या है, एक ऑर्गेनाइज मास है प्रोटोप्लाज्म का जिसको चारों तरफ से एक प्रोटेक्टिव और सेलेक्टिव परमीबल कवरिंग ने कवर किया हुआ है। सेलेक्टिव परमीबल का मीन क्या होता है कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ सकती हैं। लिविंग बींग्स और ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। सेल इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी 1665 के अंदर। ही रोट अ बुक माइक्रोग्राफिया एंड कॉइंड द टर्म सेल। इन्होंने सबसे पहले सेल जो वर्ड था उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी माइक्रोग्राफिया, उसके अंदर यूज़ किया था। लिवन हुक 1672 के अंदर वॉज द फर्स्ट टू सी फ्री सेल। जो ल्यूनहुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो एक्चुअल में प्लांट सेल थी और ऊपर से डेड सेल थी वो उन्होंने बार्क जो कॉर्क होती है कॉर्क के अंदर उन्होंने इसको ये डिस्कवरी की थी, जो ट्री की जो कॉर्क होती है छाल जिसे आप कहते हो उसके अंदर। और ल्यूनहुक ने 1672 के अंदर फर्स्ट सी सबसे पहले उसने फ्री सेल कट को डिस्कवर किया। ही ऑब्जर्व्ड बैक्टीरिया प्रोटोजोआ रेड ब्लड सेल्स। और इसने किसके सेल को ऑब्जर्व किया, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ रेड ब्लड सेल्स स्पर्म एक्सेट्रा अंडर द माइक्रोस्कोप। इन 1809 लेमार्क केम टू द कंक्लूजन दैट ऑल लिविंग बींग्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स। और लेमार्क ने कंक्लूड किया कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बनते हैं। उसके बाद डच रॉच 1824 बिलीव्ड इन इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल्स। और बाद में उन्होंने इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल्स को डिस्क्राइब किया। लिविंग सब्सटेंस वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कॉर्टी 1772 के अंदर एंड वॉज नेम्ड सार्कोड बाय दुजार्डिन 1836। और रॉबर्ट ब्राउन 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस, वाइल वॉन मोहन ने और प्रोकेंजे ने नेम द जेली लाइक लिविंग सब्सटेंस और सार्कोड ऑफ द सेल इज प्रोटोप्लाज्म। तो ये सारे नाम बहुत ही बेसिक और बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर, फिर ल्यूनहुक ने फ्री सेल डिस्कवरी की, देन उसके बाद लेमार्क ने कंक्लूज किया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं। उसके बाद डॉर्चेट ने सेल की इंडिविजुअलिटी को डिस्क्राइब किया। उसके बाद कॉर्टी ने लिविंग सबस्टाम सबसे पहले डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया और उसे सार्कोड नाम दिया दुजार्डिन ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस, वाइल जबकि मोन वोल ने और प्रोकेंजे ने मिलके नाम दिया जेली लाइक लिविंग सब्सटेंस और सार्कोड ऑफ द सेल हैज़ ए प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद आई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या बोलती है, इन 1838 क्लेडेन फाउंड दैट ऑल द प्लांट सेल हैव इसेंशियली सिमिलर स्ट्रक्चर। सभी का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। शेकवॉन वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व दैट एनिमल सेल डू नॉट हैव द सेल वॉल बट आर अदरवाइज सिमिलर अमंगस्ट देम सेल्फ। और शेकवॉन ने यह ऑब्जर्व किया कि जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है जबकि बाकी चीज़ें सब सेम है। ही पुट फॉरवर्ड सेल हाइपोथेसिस, बॉडी ऑफ द एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट।
शकलिन एंड शकवान कंप्लीट देयर फाइंडिंग एंड फॉर्मुलेट सेल थ्योरी। इन दोनों ने अपने खोजों को एक साथ किया और एक फॉर्मुलेट किया एक थ्योरी को जिसका नाम पड़ा सेल थ्योरी। और उसमें क्या दिया गया, फर्स्ट लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, अ सेल इज मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग ए न्यूक्लियस, सेल्स आर सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म, द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर ड्यू टू द एक्टिविटी एंड इंट्रैक्शन ऑफ इट्स सेल्स, हाउएवर देयर आर सेवरल शॉर्ट कमिंग्स इन सेल थ्योरी। कुछ कमियाँ भी थी, क्या थी, वायरस डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, वायरस तो बिल्कुल अंगेज था इनकी बातों से, उनका उसका सेलुलर स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है, मोनोरेन्स एंड प्रोटीन्स आर नॉट डिवाइजेबल इन टू सेल्स, दे आर ए सेलुलर, सर्टेन ऑर्गेनिज्म आर मल्टी न्यूक्लेटेड, अ टिपिकल न्यूक्लियस इज एबसेंट इन प्रोकैरियोट, कनेक्टेड टिश्यू हैव अ लॉट ऑफ नॉन लिविंग मटीरियल हैज कम्पेयर टू लिविंग मटीरियल, सर्टेन सेल लॉस देयर न्यूक्लियस इन द मेच्योर स्टेज, फॉर एग्जाम्पल RBC, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ RBC एक सेल होती है जिसके पास एडल्ट स्टेज में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो इनिशियल स्टेट में उसके पास होता है लेकिन बाद में नहीं होता, कॉमा सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो RBC और जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब आपको कहाँ मिलते हैं, प्लांट्स के अंदर, और उनमें क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। सेल थ्योरी वॉज फर्स्ट मॉडिफाइड इन द लाइट ऑफ विर्चो फाइंडिंग्स दैट सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमिनस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एक अपनी लैंग्वेज में उन्होंने कहावत बनाई कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो उनकी फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है। इट इज़ नोन हैज अ लॉ ऑफ अदर मॉडिफिकेशन वर कैरीड आउट इन द सेल थ्योरी, देयर द मॉडर्न सेल थ्योरी कॉल्ड द सेल प्रिंसिपल। और मॉडर्न सेल थ्योरी को हम किस नाम से बुलाते हैं, सेल प्रिंसिपल से। अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म थ्योरी की। इट वॉज प्रपोज बाय मैक्स स्कुलेज विच स्टेट दैट लिविंग मैटर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन प्रोटोप्लाज्म एंड द सेल इज सिंपली एन एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म लिमिटेड बाय एन आउटर मेम्ब्रेन एंड कंटेनिंग ए न्यूक्लियस। इन्होंने क्या बताया कि जो लिविंग मैटर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रोटोप्लाज्म के अंदर, एंड द सेल इज सिंपली एन एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और सेल क्या एक एक्यूमुलेशन है प्रोटोप्लाज्म का जिसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की बात करें, शैक्स प्रपोज दैट ही होल ऑर्गेनिज्म फंक्शन एज ए सिंगल एंटिटी विच इज़ मेड अप ऑफ कंटिन्यूस मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इंटू सेल्स। ये ऑर्गेनिज्म थ्योरी थी कि इन्होंने क्या बोला कि जो पूरा ऑर्गेनिज्म होता है फंक्शन हैज ए सिंगल, वो एक सिंगल एंटिटी की तरह काम करता है, एक इंडिविजुअल की तरह काम करता है एक ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड अप ऑफ कंटिन्यूस मास ऑफ, और वो एक्चुअल में एक कंटिन्यूस मास है प्रोटोप्लाज्म का जिसे आप इनकम्प्लीटली डिवाइड इंटू, और जिसको आप सेल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेलुलर ऑटोनोमी एंड मल्टी सेलुलरिटी। सेल्स आर ऑटोनोमस और सेल्फ कंटेन्ड यूनिट बिकॉज दे ऑप्टेन और मैन्युफैक्चर फूड, एक तो वो उन्हें मिल सकता है या वो बना सकते हैं खुद फूड को। ऑल सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर ओवरकमिंग एंट्रोपी परफॉर्मिंग बॉडी एक्टिविटी, तो सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और परफॉर्मिंग बॉडी एक्टिविटीज़ को करने के लिए एंड बायोसिंथेसिस, और जितनी भी हमारे अंदर बायोसिंथेसिस चल रही होती है रिएक्शंस उनको कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। फॉर दिस दे ऑक्सीडाइज्ड फूड मटेरियल इन द रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के हेल्प से ये फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं। सेल कन्वर्ट नॉन लिविंग मटेरियल इनटू कंपोनेंट ऑफ द लिविंग प्रोटोप्लाज्म, सिंपल है, वन आउट पार्ट आर रिप्लेस बाय न्यू वंस। नेक्स्ट देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज। नेक्स्ट सेल डिस्कार्ड वेस्ट मटीरियल्स, दे आर एबल टू रेगुलेट देयर एक्टिविटी थ्रू फ्लो ऑफ एनर्जी एंड इन्फॉर्मेशन। सेल मेंटेन देयर ओन इंटरनल फिजो केमिकल एनवायरमेंट, दे हैव ए डिवाइडेड एंड फॉर्म डॉटर सेल्स, देयर इज ए डेफिनेट लाइफ स्पैन। सेल्स ऑफ यूनिसेल ऑर्गेनिज्म लीड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस विद नो डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर एनी फंक्शन मटीरियल और इन्फॉर्मेशन, दे डिपेंड अपॉन देयर ओन इंट्रिंसिक इन्फॉर्मेशन। इरेटेबिलिटी इज ऑफ कोर्स प्रेजेंट। सेल्स ऑफ मल्टी न्यूक्लियर सेलुलर ऑर्गेनिज्म पोजेसेस ऑटोनॉमी बट शो वेरियस इंट्रैक्शन एंड स्पेशलिटी। ये सारी की सारी जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो सेल के बारे में हमने डिस्कस की। आगे देखते हैं, मल्टी सेलुलरिटी इज़ मोर एडवांटेजियस देन यूनिसेलुलरिटी। पहले तो हमने अब सिंगल सेल के फंक्शन की बात कर ली, उसके करेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली, एक सिंगल इंडिविजुअलिटी की। अब बात करते हैं जब मल्टी सेलुलरिटी की बात कर लेते हैं, इंक्रीज सर्वाइवल, इंड्यूस स्पेशलेशन। जब मल्टी सेलुलर सेल जब मल्टी सेलुलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसकी जो सर्वाइवल पावर है वो बढ़ जाएगी। इंड्यूस स्पेशलाइजेशन, इंश्योर द अनइंटरप्टेड एक्टिविटी, प्रोवाइड फॉर डिवीजन ऑफ लेबर, आउटर सेल बिकम स्पेशलाइज टू प्रोटेक्ट द इंटर सेल, इंटरनल सेल डेवलप देयर ओन एनवायरमेंट, कीप द सेल स्मॉल एक्सेप्ट वेयर दे टेक पार्ट इन द कंडक्शन एंड सपोर्ट। डेथ ऑफ फ्यू सेल्स और रिप्रोडक्शन डज नॉट किल द ऑर्गेनिज्म, रादर सम डेड सेल्स आर फंक्शनली इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल ट्रैकरी एलिमेंट्स,
Differentiated cells may take over the function of the division through the process of dedifferentiation. Example, plant cells. In some cases, differentiation lead to the loss of some basic activity like RBC do not have aerobic respiration, DNA replication and RNA synthesis since nucleus is lost toward the maturity. Sieve tube cell becomes enucleated. Nerve cells possesses nuclei but are unable to differentiate. Liver and muscle cells do not divide normally but remain the ability to do so. ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हर किसी को पता है, बस आपने इसको एक बार रिमाइंड करना है. नेक्स्ट है सेलुलर टोटिपोटेंसी एंड सर्वाइवल. टोटिपोटेंसी का मीनिंग होता है कि एक ऐसी सेल जो किसी टाइम आने पर किसी भी सेल को बना सकती है या कन्वर्ट हो सकती है. सोमैटिक न्यूक्लिएटेड सेल्स आर टोटिपोटेंट आर एबल टू प्रोड्यूस ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. दिस इज स्पेशली सो इन केस ऑफ प्लांट सेल. इट वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय हैबरलैंट 1902 में एंड प्रोवाइड बाय स्टीवर्ड इटॉल इन 1957 थ्रू टिश्यू और सेल कल्चर एक्सपेरिमेंट्स. इन्होंने इसकी जो इनकी इसके टिश्यू और सेल कल्चर एक्सपेरिमेंट के इसके थ्रू सेलुलर टोटिपोटेंसी को एक्सप्लेन किया. फॉर इट इज सर्वाइवल एंड प्रॉपर फंक्शनिंग अ सेल ऑलवेज रिक्वायर. नंबर वन, फ्लो ऑफ एनर्जी फॉर ओवरकमिंग एंट्रोपी टेंडेंसी फॉर डिसऑर्डर लाइनस एंड परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ एक्टिविटीज. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑफ टू टाइप, इंट्रेंसिक और जेनेटिक और एक्सटर्निक थ्रू नर्व एंड हारमोन्स. दो तरीके के इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, एक है इंट्रेंसिक और जेनेटिक और दूसरी एक्सटर्निक थ्रू नर्व एंड हारमोन्स. इंट्रेंसिक और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कंटेंड इन DNA. स्पेसिफिक ट्रिगर एक्टिवेट DNA सेगमेंट टू ट्रांसक्राइब mRNA विच देन हेल्प सिंथिसाइज द स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन और एंजाइम्स एक्सेट्रा. स्टिम्युलेट नर्व सीक्रेट द केमिकल टू एक्टिवेट द सर्टेन सेल्स. हार्मोन आर द रिकॉग्नाइज बाय आइदर मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स. दे कॉम्प्लेक्सेस अलाउ पर्टिकुलर एक्टिविटीज. तो इस तरीके से हमने देखा कि दो टाइप की हमारे पास इंफॉर्मेशंस होती हैं और कैसे वो आगे काम करती हैं. नेक्स्ट है सरफेस वॉल्यूम रेशियो. मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स आर स्मॉल सिंस स्मॉल सेल्स हैव हायर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो फॉर बेटर कंट्रोल एंड हायर सरफेस वॉल्यूम रेशियो फॉर क्विकर एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल. लार्जर सेल कैन बी एफिशिएंट ओनली इफ दे आर इलोंगेटेड ब्रांच्ड और पोजेसेस मेम्ब्रेन एक्सटेंशन लाइक माइक्रोवलाई. लार्ज साइज एनिमल डू नॉट पोजेस लार्ज साइज सेल्स बट मोर न्यूमरस स्मॉल सेल्स. तो इस तरीके से हमने सरफेस वॉल्यूम रेशियो के बारे में डिस्कस किया. नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल सी बातें हैं, इनमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपने रीड आउट करना है. आगे है साइज एंड शेप ऑफ द सेल. द डायमीटर ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेल्स रेंजेस फ्रॉम 0.5 माइक्रो टू 20 माइक्रोन. द लार्जेस्ट नोन सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच विच कैन बी हैज लॉन्ग हैज 170 mm. द स्मॉलेस्ट सेल इज परहैप येट टू बी डिस्कवर्ड. द शेप ऑल्सो इज वेरीड एंड डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट कंडीशन सराउंडिंग फंक्शन एंड नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म. सिंपल बैक्टीरिया कैन बी रॉड शेप्ड स्पायरल ओवर राउंडेड एक्सेट्रा. द शेप ऑफ द डेस्माइट एंड डायटम आर वेरीड. अमीबा कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप. द बॉडी ऑफ द यूनिसेलुलर मेराइन एल्गा एस्टा बुलेरिया इज डिफिशिएटेड इनटू अ राइजोट लाइक बेस अ लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक एन अम्ब्रेला लाइक कैप. द आरबीसी ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर राउंडेड वेयर एज द मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड विद पॉइंटेड एंड्स. एनिमल सेल्स आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप बट शेप ऑफ द प्लांट इज फिक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज सेल वॉल. तो ये कुछ सेल्स के टाइप दिए हुए हैं और उनके साइज दिए हुए हैं. स्मॉलेस्ट वायरस जिसका नो सेलुलर स्ट्रक्चर 7 × 10⁻⁷ माइक्रोमीटर क्यूब होता है. स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम है वो है 2.0 × 10⁻²⁺ माइक्रोमीटर क्यूब. ह्यूमन की जो स्पर्म है वो 1.7. ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन जो स्पर्म है सबसे छोटी सेल होती है 1.7 × 10⁻¹ माइक्रोमीटर क्यूब. हैन का जो एग होता है 5.5 × 10⁻³ माइक्रोमीटर क्यूब. माइकोप्लाज्म 1 × 10⁻³ माइक्रोमीटर क्यूब माइक्रोन. लार्जेस्ट बैक्टीरियम 7 × 10⁻⁰ माइक्रोन मीटर क्यूब. ह्यूमन एग डायमीटर 100 माइक्रोमीटर. ऑस्ट्रिच 170 × 150 मिलीमीटर. आरबीसी 7 माइक्रोन. ई कोलाई 1.7 × 10⁻⁷ माइक्रोन. इन्फ्लुएंजा वायरस 100 माइक्रोमीटर. टीएमवी 315 माइक्रोमीटर और T3 बैक्टीरियोफेज 45 माइक्रोन. नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व सेल सबसे लंबी होती है रीचिंग 90 cm. सर्टेन प्लांट फाइबर्स आर सिमिलरली वेरी लॉन्ग. जूट में 30 to 90 cm. रेमिया 55 cm और हैम्प 1 m. नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में. बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये सब आपने डिस्कस की हैं, सिर्फ रीड आउट कीजिए आप इनको फटाफट. बेसिकली सेल्स आर ऑफ टू टाइप, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. अ प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ वन एनवलप सिस्टम विद नो मेम्ब्रेन लाइन इंटरनल ऑर्गेनिल्स एक्सेप्ट थायलेकोइड इफ प्रेजेंट. अ न्यूक्लियस इज एब्सेंट. इंस्टेड अ न्यूक्लियोइड मेड ऑफ नेक्ड एंड फोल्डेड टीएनए लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म. इंटरनल कंपार्टमेंट आर एब्सेंट.
Respiratory enzymes are located on the cell membrane. Cytoplasm does not show streaming. Sap vacuole are absent. Gas vacuoles may occur. Cell wall, if present, contain peptidoglycan or mucopeptide flagella. If present, are single-stranded and made of flagellin. तो अगर फ्लैजिला है तो वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है. एन यूकैरियोटिक सेल हैज़ इंटरनल कंपार्टमेंट एंड डबल एनवेलप सिस्टम दैट इज बिसाइड सेल मेम्ब्रेन. द सेल ऑर्गेनिज आर आल्सो कवर्ड बाय मेम्ब्रेन. माइटोसिस एंड मियोसिस अकर इन द लाइफ साइकिल. साइटोप्लाज्म शो स्ट्रीमिंग. सैप वैक्यूल्स अकर. फ्लैजिला इफ प्रेजेंट. आर डबल स्टैंडर्ड एंड मेड ऑफ ऑफ ट्यूबुलिन. तो जो यूकैरियोटिक का है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है और उसका फ्लैजिलिन से बना होता है. अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर. तो न्यूक्लियर एनवेलप की बात है तो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है. डीएनए की बात करें तो यहाँ नेक्ड है. सेकंड वन में कंबाइंड विद प्रोटीन्स है. थर्ड में क्रोमोसोम की बात करें, यहाँ सिंगल अब मल्टी सेल मल्टीपल होगा, मतलब डबल स्टैंडर्ड होगा या सिंगल स्टैंड होता है. डिवीजन ए माइटोसिस या माइटोसिस और मियोसिस. राइबोसोम यहाँ 70S होता है, 50S प्लस 30S, वहाँ 80S होता है, 60S प्लस 40S. एंडोमेम्ब्रेन्स यहाँ एब्सेंट है, वहाँ प्रेजेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट. रेस्पिरेटरी एंड फोटोसिंथेसिस एंड सिंथेटिक एंजाइम इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट. क्लोरोप्लास्ट यहाँ एब्सेंट है, सेकंड कंडीशन में प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक, यहाँ सेलुलोजिक होती है ओनली इन प्लांट्स. एक्सो और एंडोसाइटोसिस एब्सेंट, यहाँ प्रेजेंट होगा. लोकोमोशन सिंगल फाइब्रिल फ्लैजेलम सिली एंड फ्लैजेला. एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म, पीपीएलओ, प्रोटोजोआ, अदर एल्गी, मेटाफाइटा एंड मेटाजोआ. मेटाजोआ का मतलब क्या होता है? एनिमेलिया किंगडम. नेक्स्ट बात करते हैं जनरल ऑर्गेनाइजेशन इन द यूकैरियोटिक सेल. इसमें क्या है, यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जनरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर. सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें सब कंपोनेंट कौन होता है? सेल वॉल, सेल कोट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, सेल टू सेल इंट्रैक्शन, परमिबिलिटी, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस. न्यूक्लियस की बात करें तो कंपोनेंट क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म और राइबोसोम्स. साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स, साइटोसोल और साइटोस्केलेटन. सॉल्युबल एंजाइम्स होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबुल्स और राइबोसोम्स. फंक्शन क्या है? ग्लाइकोलिसिस, सेल मोर्टिलिटी, सेल शेप मोर्टिलिटी, प्रोटीन सिंथेसिस. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या क्या किस किस का कंपोनेंट से बनती है? न्यूक्लियर एनवलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ. न्यूक्लियर, ये रफ एंड स्मूथ कैसे होते हैं? उनके ऊपर प्रेजेंस होते हैं राइबोसोम, जिन पर राइबोसोम प्रेजेंट हो वो रफ हो, जिन पर ना हो वो स्मूथ. न्यूक्लियर परमेबिलिटी, सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सिक्रीशंस. गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? सिक्रीशन का. मेम्ब्रेन ऑर्गेन्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम्स. ये क्या काम करते हैं? सेल रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन और पेरोक्सीडेशन. माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनिल्स, सेंट्रियोल्स एंड स्पिंडल बेसल बॉडी, सेली एंड फ्लैजेला. सेल डिवीजन एंड सेल मोटिलिटी के अंदर. अब बात करते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल्स की बात में बात कर लेते हैं. बोथ प्लांट एंड एनिमल्स पोजेसेस यूकैरियोटिक सेल. अ प्लांट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल, प्लास्टिड एंड एनसेस्ट्रल स्पिंडल, सेंट्रियोल्स एंड जनरली एब्सेंट. गॉल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट कॉल्ड डक्टायोसोम्स. लाइसोसोम्स आर रेयर. ग्लाइकोजीसोम्स एंड क्रिस्टल्स में अकर. एनिमल सेल्स आर बाथ बाय टिश्यू फ्लूइड. दे आर कवर्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन ओनली. वेकुल्स आर स्मॉल. प्लास्टिड आर एब्सेंट. स्पिंडल इज एम्फियस्ट्रल, सेंट्रल प्रेजेंट. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वॉल, एनिमल सेल विल बर्स्ट इफ प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन. ग्लाइकोजीसोम्स एंड क्रिस्टल आर एब्सेंट. लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट. A typical plant cell consists of a cell wall and protoplast. Cell wall is absent in the animal cell. Protoplast, Hinstein ने बताया था इसके बारे में, is made up of plasma lema, cytoplasm, nucleus and vacuoles. तो protoplast में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? Plasma lema, cytoplasm, nucleus and vacuole. आगे बात करते हैं structural organization and function of the intracellular organelles. अब हम ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन की बात करें उन स्ट्रक्चर्स के बारे में, उन ऑर्गन्स के बारे में जो सेल के अंदर आपको मिलेंगे. तो उसमें कौन कौन हो सकते हैं? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर प्लाज्मा लेमा, साइटोप्लाज्म, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गॉल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, स्फेरोसोम्स,
cytoskeleton structures, centriole, cilia and flagella, vacuoles, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें इनके अंदर आएंगे, तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इसके अंदर सेल वॉल। सेल वॉल इट इज़ द आउटर रिजिड प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ प्लांट सेल एंड सम प्रोकैरियोट्स। सेल वॉल हैज़ ए मैट्रिक्स ऑफ हेमी सेलुलोज, पैक्टीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड वाटर। तो सेल वॉल किस किस से मिलकर बनता है, ये एक मैट्रिक्स है किस चीज़ का, हेमी सेलुलोज का, पैक्टीन का, ग्लाइकोप्रोटीन का एंड वाटर का, विच आर एम्बेडेड द माइक्रोफाइब्रिल्स। माइक्रोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज इन द प्लांट सेल्स, और इनके बीच बीच में आपको माइक्रोफाइब्रिल्स मिलते हैं जो सेलुलोज के बने होते हैं। काइटिन और फंगस, सेलुलोज इन फंजाई एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन इन बैक्टीरिया। तो प्लांट सेल के अंदर आपको जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, काइटिन और फंगस जो सेलुलोज है वो फंजाई और पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी कि जो म्यूकोपेप्टाइड है इन बैक्टीरिया के अंदर होते हैं इस टाइप के। प्लांट सेल वॉल में भी हैव लेग्निन और स्ट्रेंथ वुडी टिश्यू, सिलिका फॉर स्टिफनेस एंड प्रोटेक्शन, एपिडर्मोसेल, क्यूटिन फॉर प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर एपिडर्मोसेल, सुबेरिन फॉर इम्परमेबिलिटी फॉर एग्जाम्पल कॉक सेल, एंडोडर्मोसेल एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। द सेल वॉल गिव राइज ए डेफिनेट शेप एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्रोटोप्लाज्म। इट इज़ नॉन लिविंग इन नेचर एंड इज परमिएबल। ये नॉन लिविंग नेचर की होती है, परमिएबल होती है। एडजेसेंट सेल इन द प्लांट्स बॉडी रिमेन इंटरकनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। अ सेल वॉल मे हैव अप टू थ्री पार्ट्स, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। तो सेल वॉल के अंदर आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। तो हम डिस्कस कर लेते हैं मिडिल लैमेला को। इट इज़ द आउटर मोस्ट रीजन विच इज़ फंक्शन हैज ए सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू सेल्स। इट इज़ एबसेंट ऑन आउटर फ्री सर्फेस, इट रेप्चर टू क्रिएट इंट्रा सेलुलर स्पेसिस, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। तो ये किसका बना होता है, मिडिल लैमेला, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का बना होता है। पैक्टिक एसिड इज़ ए लॉन्ग पॉली ग्लेक्टोयूरोनिक एसिड कंपाउंड विच अल्फा डी ग्लेक्टोयूरोनिक एसिड यूनिट आर जॉइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिटिक लिंकेज इन 1.4। इट इज़ अ हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। प्राइमरी वॉल की बात कर लें, इट इज़ अ थिन 0.1 to 3 माइक्रोमीटर इलास्टिक फर्स्ट वॉल लेयर। इट कंटेन माइक्रोफाइब्रिल्स ओरिएंटेड वेरियसली, कॉमनली फॉर्मिंग ए लूज नेटवर्क। सेलुलोज कंटेंट 5% ड्राई वेट बेसिस, हेमी सेलुलोज 50% ड्राई वेट बेसिस, लेबर कंटेंट 5 to 10 ड्राई बेसिस और हाई, एन एसोसिएशन अबाउट 100 सेलुलोज चेन इज टर्म्ड हैज माइसिल्स। तो ये जो माइसिल्स होती है उसमें कम से कम आपको 100 सेलुलोज चेन मिल जाएगी आपको सेलुलोज की। 20 माइसिल्स कंस्टिट्यूट ए माइक्रोफाइब्रिल, वाइल एग्रीगेशन ऑफ 250 माइक्रोफाइब्रिल इज कॉल्ड द फाइब्रिल। तो अगर 100 सेलुलोज है तो वो माइसिल्स बनाते हैं, अगर 20 माइसिल्स एग्रीगेट हैं तो माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं, और 250 माइक्रोफाइब्रिल्स अगर एग्रीगेशन है 250 का तो वो माइक्रोफाइब्रिल्स बन जाता है फाइब्रिल। लिग्निन, हेमी सेलुलोज, सम पैक्टिक सब्सटेंस एंड प्रोटीन प्रेजेंट ऑल टुगेदर फॉर्म ऑर्मोफस मैट्रिक्स। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्मोफस मैट्रिक्स। ये प्राइमरी वॉल होगी। सेकेंडरी वॉल, इट इज़ ए लेड इनर टू द प्राइमरी वॉल, इट इज़ लेस हाइड्रेटेड, दैट इज लेस हाइड्रोफिलिक इन नेचर, 30 to 40% हैज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी वॉल। सेलुलोज कंटेंट इज़ हाई विद द लॉन्ग क्लोजली अरेंज स्टेट एंड पैरल माइक्रोफाइब्रिल्स। हेमी सेलुलोज कंटेंट इज 25%, प्रोटीन इज वेरी लिटल, वाइल लिपिड इज नियरली एबसेंट, लिग्निन डिपॉजिट इज क्वाइट कॉमन। सेकेंडरी वॉल इज ऑफन मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, S1, S2, S3। इन ईच लेयर माइक्रोफाइब्रिल्स लाई स्ट्रेट पैरल टू वन अनदर बट एट एंगल टू ए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ऑरियंटेशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट लेयर, इट इज मोर प्रोनाउंसड इन डेड सेल सच एज ट्रैकिड एंड स्क्लेरेन्काइमा। इन जिम्नियोस्पर्म्स टेंशन वुड इज इनरमोस्ट लेयर कंटेन्स जाइलम एंड इज कॉल्ड द टर्शियरी वॉल। सिंपल सी बातें, फिलर सब्सटेंस ऑफ द वॉल मैट्रिक्स पेक्टिन, इट इज मिथाइलेटेड एंड पॉलीमराइज्ड ग्लेक्टोरियंस और ग्लूटोरोनिक एसिड एंड न्यूट्रल शुगर्स। हेमी सेलुलोज इज मेड अप ऑफ पॉलीमराइज्ड एराबिनो ग्लेक्टिन्स जाइलेंस मानाज एक्सेट्रा, इट बाइंड माइक्रोफाइब्रिल्स विद मैट्रिक्स। लिग्निन इज फॉर्म्ड फ्रॉम कॉर्निफिराइल एंड क्यूमराइल एल्कोहल एंड एल्डिहाइड थ्रू डिहाइड्रोजिनेशन एंड पॉलीमराइजेशन। तो जो लिग्निन है वो कैसे बनता है, फॉर्म्ड फ्रॉम कॉर्निफिराइल एंड
कॉम्यूराइल एल्कोहल से एंड एल्डिहाइड थ्रू, जब हम उसका डिहाइड्रोजनेशन और पॉलीमराइजेशन करते हैं, लेकिन रिड्यूस हाइड्रेशन एंड इंक्रीज दी हार्डनेस ऑफ वॉल, इसकी वजह से वॉल की हार्डनेस बढ़ जाती है। सेल वॉल पोजेसेस माइन्यूट साइटोप्लाज्म ब्रिजेस बिटवीन द एडजेसेंट सेल, दे आर कॉल्ड द प्लास्मोडेस्माटा। स्ट्रॉकबर्नर्स की सबसे डिस्कवरी की थी प्लास्मोडेस्माटा प्रोड्यूस ए कंटिन्यू कॉन्टिनम ऑफ लिविंग मटीरियल कॉल्ड सिम्प्लाज्म, सेल वॉल एंड इंट्रासेलुलर स्पेसेस कंटिन्यू इन नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ प्लांट बॉडी नोन एज ए एपोप्लाज्म। सर्टेन थिक वॉल पोजेसेस अनथिक्ड एरियाज कॉल्ड द पिट्स। इन सम एनिमल्स सेल कोट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स अलॉन्ग विद द डेपोजिशन ऑफ सिलिका एंड कैल्शियम सॉल्ट। तो कंपेरिजन ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल की हम कंपेरिजन कर लें तो एक्सटेंसिव लेयर होती है वो नॉन एक्सटेंसिव लेयर है। प्राइमरी डिसअपर्ड टेक्सचर ऑफ माइक्रोफाइबल होता है, पैरलर टेक्सचर ऑफ द माइक्रोफाइबल होती है, स्मॉलेस्ट सेलुलोजिक यूनिट माइसल और माइक्रोफाइब्रिल, स्मॉलेस्ट सेलुलोज यूनिट माइक्रोफाइब्रिल और फाइब्रिल। सेलुलोज 5.2% होता है, इसमें सेलुलोज 50-94% होता है, लिपिड कंटेंट 5-10% होता है, नॉर्मली नो लिपिड, प्रोटीन 5% होती है, नॉर्मली वेरी लिटिल, हेमीसेलुलोज 50% होता है, हेमीसेलुलोज यहाँ पे 25% होता है। अब बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की। बायो मेम्ब्रेन एग्जांपल प्लाज्मा लेमा। सेल मेम्ब्रेन्स और बायो मेम्ब्रेन्स आर क्वासी फ्लूइड फिल्म लाइक पार्टीशन ऑफ द अबाउट 75 angstrom थिकनेस, दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाई ऑन द आउटसाइड ऑफ द प्रोटोप्लास्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। टोनोप्लास्ट अकर अराउंड द वैक्यूल्स। टोनोप्लास्ट क्या होती है, लाइपोप्रोटीन लिपोप्रोटीन की बनी होती है और ये वैक्यूल्स को कवर अप करती है इन साइड द सेल और एक बैरियर क्रिएट करती है बिटवीन साइटोप्लाज्म और जो टोनोप्लास्ट का जो प्लाज्म होता है। मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म हैव देयर ओन मेम्ब्रेन कवरिंग अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेल मेम्ब्रेन अपीयर ट्राइलेमिनर और ट्राइपेरिटाइट विद अ मिडिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर एंड इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर ऑन द अदर साइड। केमिकली इट हैज़ प्रोटीन 60-70%, लिपिड होता है इसमें 20-40% एंड कार्बोहाइड्रेट इसमें होते हैं 1-5%। प्रोटीन आर बोथ स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक। लिपिड आर जनरली फॉस्फोलिपिड्स विद द पोलर हाइड्रोफिलिक हेड एंड नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक टेल। तो जो उसकी टेल होती है फॉस्फोलिपिड की, जो उसका हाइड्रिज हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होती है वो नॉन हाइड्रोफिलिक होती है, नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक टेल और वो हाइड्रोफिलिक होती है, पोलर हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक टेल। एम्फीपैथिक और एम्पीपैथेटिक। ओवरटन ने 19th सेंचुरी के अंदर ही वॉज फर्स्ट सेंचुरी टू प्रपोज दैट सेल मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड, सबसे पहले बताया था। डैनली एंड डेवलसन मॉडल स्टेट दैट द डबल फॉस्फोलिपिड लेयर इज सराउंडेड ऑन आइदर साइड बाय लेयर ऑफ द हाइड्रेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन PLLP, द हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर टेल ऑफ टू लिपिड्स लेयर आर टुवर्ड द सेंटर। रॉबर्टसन मॉडल ने स्टेट दैट लिपिड बाय लेयर इज सराउंडेड ऑन आइदर साइड बाय एक्सटेंडेड और बीटा प्रोटीन विद डिफरेंस इन their type for outer and inner side. Robertson also gave unit membrane concept which proposed that all the biomembranes have a trilaminar structure with an electron transport lipid bilayer 35 angstrom lying sandwiched between the electron dense protein layer 20 angstrom each. Both above given materials are laminar model. अब next बात करते हैं fluid mosaic model की, काफ़ी important है ये। Sanger and Nicholson 1972 में cell membrane are क्वासी फ्लूइड विद विस्कस लिपिड बायलेयर हैविंग प्रोटीन एट प्लेस बोथ ऑन द सर्फेस एंड इनसाइड। सिंगर एंड निकोलसन हैव डिस्क्राइब्ड सेल मेम्ब्रेन एज ए प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड्स। एक्सटर्नल प्रोटीन आर कॉल्ड द इंट्रिंसिक और पेरिफेरल 30% ऑफ द टोटल, वेल द इंटरनल प्रोटीन्स आर नेम्ड इंट्रिंसिक और इंटेग्रल 70% ऑफ टोटल। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मे फंक्शन एज एंजाइम्स, परमिएजेस, कैरीज रिसेप्टर एक्सेट्रा। तो प्रोटीन एक्सटेंडिंग फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड आर कॉल्ड द टनल प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। दे फंक्शन हैज ए चैनल एट प्लेस द एक्सटर्नल प्रोटीन एंड लिपिड प्रोटीन्स बेर ऑलिगोसैकेराइड फॉर्मिंग द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर रिकॉग्निशन। अटैचमेंट ऑफ द एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज दे मेक द सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक। लिपिड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कैन बी डिस्ट्रॉयड विद बेंजीन। बेंजीन का अगर आप ट्रीटमेंट दोगे तो लिपिड का जो नेचर है सेल मेम्ब्रेन का वो खत्म हो जाता है। बेंजीन ट्रीटेड बीट रूट्स लीक आउट द anthocyanin pigment while the pigment is retained in untreated roots. Fluidity of the cell membrane can be tested by mixing of two type of the animal cells treated with green and red fluorescent dye in the presence of the polyethylene glycol. They will initially show half green and half red surface. The cell kept at 0°C do not show further mixing, while the lot kept 30°C exhibit the complete mixing. According to Selby 1959, plasma membrane often exhibit certain special structure which also
फॉलो माइक्रोविलाई, प्लाज्मोडेस्मेटा, कैविलेई और डेस्मोसोम्स। माइक्रोविलाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट इट्स सरफेस हैज सर्टेन नैरो इलोंगेटेड प्रोजेक्शन कॉल्ड द माइक्रोविलाई। द फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई इज टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस। प्लाज्मोडेस्मेटा की बात करें तो देर आर फाइन स्टैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू विच द एडजेसेंट सेल्स रिमेन इंटरकनेक्टेड इन द प्लांट बॉडी। द प्लाज्मोडेस्मेटा वर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व बाय टेंगल एंड फाइनली बाय स्ट्रॉसबर्गर। कैविलेई देर आर हेयर लाइक इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय यामडा। द फंक्शन ऑफ द कैविलेई इज टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव एरिया ऑफ द सेल। डेस्मोसोम्स इन सर्टेन सेल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एडजेसेंट सेल बिकम अ थिकर एंड सर्टेन रीजन एंड फॉर्म दिस थिकेंड एरिया मैनी फाइन फिलामेंट नोन एज ए टोनोफाइबर। सच थिकेंड एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कॉल्ड द डेस्मोसोम्स। द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द डेस्मोसोम्स कंटेन ए कोटिंग मटीरियल विच प्रोवाइड ए सेलुलर एडहेशन टू द सेल। नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मा लेमा की। इट इज द आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ द प्रोटोप्लास्ट विच आर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन बाय नेगली एंड क्रेम्स। इट वॉज गिवन द फर्स्ट नेम बाय द प्लो। प्लाज्मा लेमा इज बोथ प्रोटेक्टिव एंड सेलेक्टिव परमीबल। एंटीजेनिक रिकॉग्निशन अटैचिंग एंड रिसेप्टर साइट अकर ओवर इट। द मेम्ब्रेन में शो माइक्रोविलाई लॉन्ग एंड प्लाज्म इनफोल्डिंग अकर इन द बैक्टीरिया एंड फंजाई। दे आर कॉल्ड मीजोसोम इन बैक्टीरिया एंड लैमोसोम्स इन फंजाई। इन एनिमल द प्लाज्मा लेमा ऑफ द एडजेसेंट सेल्स में शो टाइट जंक्शन डेस्मोसोम्स, गैप जंक्शन, इंटर डिजिटेशन और इंटरसेलुलर ब्रिजेस। डेस्मोसोम्स मैकुलर एडहेरेंट्स और सिंगुलर मैकुला एडहेरेंट्स। एडजेसेंट मेम्ब्रेन्स आर थिकेंड विद द डिस्क शेप एडहेसिव मटेरियल इन बिटवीन एंड टोनोफाइबर रेडिएटिंग आउट फ्रॉम द एडहेसिव रीजन। दैट इज एपिथेलिया सब्जेक्टेड टू द डिस्ट्रप्शन इन हेमिडेस्मोसोम्स। द थिकनिंग इज प्रेजेंट ऑन वन मेम्ब्रेन सेप्टेट डेस्मोसोम्स पोजेसेस पैरेलल सेप्टेन बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स। टाइट जंक्शन जोना अकुलेंटस। प्लाज्मा लेमिया ऑफ टू सेल्स फ्यूज टू फॉर्म इम्परमीबल ऑफ और ऑक्लूडिंग जंक्शन। एग्जाम्पल एपिथेल सेल ऑफ द कैपिलरी एंड ब्रेन सेल्स। नेक्स्ट है टर्मिनल बार्स जोना एडहेरेंट बोथ जोनलियो एडहेरेंट्स बोथ। प्लाज्मा लेमिया एंड साइटोप्लाज्म आर थिकेंड। गैप जंक्शन दे आर हैव इंटरसेलुलर गैप्स एंड अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बिटवीन द टू सेल्स हैंस कम्युनिकेटिंग जंक्शन वेरी कॉमन। इंटर डाइजिटेशंस दे आर इंटरसेलर ब्रिजेस फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन फोल्डिंग एंड कनेक्ट टू रैपिड कंडक्शन ऑफ द स्टिमुली। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म की। स्टॉकबर्ग 1882 में साइटोप्लाज्म डिस्कवरी। इट इज द बल्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। इसमें आप न्यूक्लियस को काउंट नहीं करते। साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू साइटोप्लाज्मेटिक सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इनकल्शन। साइटोप्लाज्मेटिक और साइटोसोल इज जेली लाइक सेमी फ्लूइड दैट एग्जिस्ट ऑन द बोथ सोल एंड जेल स्टेट्स। साइटोप्लाज्मेटिक इज ऑफन डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर जेल पार्ट कॉल्ड एक्टोप्लास्ट, प्लाज्मा जेल एंड इनर सोल पार्ट कॉल्ड एंडोप्लास्ट और प्लाज्मोसोल। तो बाहर वाला जेल है और अंदर वाला सॉल है। एंडोप्लास्ट इज यूजली इज पीपिचुअल मोशन कॉल्ड द साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्मिक और प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग इन रोटेशन टाइप ऑफ साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कंटिन्यूअसली फ्लो इन द वन डायरेक्शन। यंग सेल ऑफ हाइड्रा लीफ इन सर्कुलेशन टाइप ऑफ साइक्लोसिस। मैट्रिक्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम सेल। एग्जाम्पल सेल एट स्टेमिनल हेयर ऑफ द ट्रेड स्केंशिया रोइया। नेक्स्ट बात करते हैं ईआर की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्रेस्टोप्लाज्मा ऑफ गार्नियर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा है। ईआर और ईपीआर वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर इटॉल। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हैं। इट वाज गिवन द प्रेजेंट नेम बाय पोर्टर अकॉर्डिंग टू द डालमर। ER originated from plasma membrane by invagination according to the D. Robertis. ER originated from the nuclear envelope. ER is a system of membrane lined channel found in all eukaryotic cell except ova, embryonic cell and mature erythrocyte. It continue more than 50% of the total cell membrane into muscle cells. It is called sarcoplasmic reticulum. Microlite bodies, granules at base of retinal pigment cells and nasal granules are believed to be formed from ER. It is less developed in meristematic cell. It is made up of a few tubules in adipose tissue, few vesicles in spermatocyte, but is the best developed in cell of the liver, pancreas and fibroblast. Endoplasmic reticulum has three parts. इसके अंदर आपको अंदर three parts मिलेंगे, cisternae, tubule और vesicle. Cisternae parallel interconnected flattened sacs, tubule often branch network और vesicle rounded or oval. Membrane of the ER may be bare ribosome. When ER is called a granular rough endoplasmic reticulum or rough ER attachment between the ribosome and endoplasmic reticulum is through glycoprotein called the riboporin. The unit is actually between 60s ribosome subunit and ER is by mean of two type of the glycoproteins.
राइबोपोरिन वन मोलिकुलर वेट 65,000 एंड राइबोप्रोटीन सेकेंड मोलिकुलर वेट इज 64,000। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन कंटेन माइन्यूट पोर बिलो द राइबोसोम्स टू पास सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड इनटू इट्स ल्यूमन फॉर ट्रांसपोर्ट। ईआर एंडोप्लाज्मिक विदाउट अटैच राइबोसोम इज कॉल्ड द एग्रेनुलर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एससीआर। इट टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फैट एंड स्ट्रियोल्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली हैं। तो जो रफ रफ ईआर है उसका काम क्या था, इसमें आपको लगभग कौन कौन सी प्रोटीन्स मिल रही थी, राइबोपोरिन फर्स्ट और राइबोपोरिन सेकंड। तो जो एससीआर है उसका काम क्या क्या है, सिंथेसिस करना किस किस का, ग्लाइकोजन का, फैट का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फैट का, स्टील और डिटॉक्सिफिकेशन करना। देयरफॉर अकर इन द एडिपोज सेल्स, इसलिए एडिपोज सेल, मसल सेल्स, लिवर सेल्स, स्टीरॉयड सिंथेसाइजिंग से में मिलता है। और रफ ईआर इज एविडेंट इन द सेल एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा सेल्स, गोब्लेट सेल्स, पैंक्रियाटिक सेल, सर्टेन लीवर सेल्स। ब्रोकन पीसेज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर एज ए माइक्रोसोम। ट्रांजिशनल ईआर इज आर ईयर विदाउट राइबोसोम। ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन अकर विद इन द सिस्टेनेज थ्रू एक्टिविटी ऑफ द ग्लाइकोसाइल ट्रांसपोर्ट लोकेटेड इन द ईयर मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ ईयर की बात कर लें, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द सेल इनटू सेपरेट कंपार्टमेंट मेकिंग इट पॉसिबल फॉर द सेल डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट एंड एक्टिविटी टू द सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। मेनी ऑफ द एंजाइम्स दैट कैरी आउट थ्री एक्टिविटी फॉर्म ए पार्ट ऑफ लाइपोप्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन फॉर्मिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकॉर्डिंग टू द सोजोस्ट्रांड 1964 द ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स हैव सरफेस विच मे प्ले रोल इन द एंजाइमेटिक एक्शन। इन एडिशन टू साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इट इज ऑल्सो थॉट टू फंक्शन हैज ए ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज सिस्टम। ई आर ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लिपिड मेटाबोलिज्म एंड ग्लाइकोसिजन। तो ई आर का इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसमें, लिपिड मेटाबोलिज्म के अंदर और ग्लाइकोजन सिंथेसिस के अंदर। अब बात करते हैं राइबोसोम की, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से या पैलेट ग्रेनुलर के नाम से पुकारते हैं। दे आर सब माइक्रोस्कोपिक पॉलीपेप्टाइड मैन्युफैक्चरिंग नेक्ड न्यूक्लियोप्रोटीन ऑर्गनेल्स विच वर डिस्कवर्ड बाय द रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन प्लांट सेल एंड पैलेट इन एनिमल सेल। पैलेट आल्सो गिव देम द प्रेजेंट नेम राइबोसोम। राइबोसोम आर ऑफ टू टाइप, साइटोप्लाज्मिक एंड ऑर्गनेल। ऑर्गनेल्स राइबोसोम आर 70S सेफ्टवर्ग एंड सेडिमेंटेशन यूनिट दे आकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। और ये ऑर्गनेल है क्योंकि ऑर्गन्स के अंदर है। ऑर्गनेल्स राइबोसोम डू नॉट अकर इन द प्रोकैरियोट्स, इंस्टेड देयर साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम आर 70S। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम ऑफ द यूकैरियोट्स आर 80S, दे मे अकर फ्रीली और अटैच टू ईआर। राइबोसोम आर स्फेरिकल इन आउटलाइन विद ए डायमीटर ऑफ 150 टू 250 एंगस्ट्रम एंड आर नॉट बाउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन। ईच राइबोसोम हैज टू पार्ट्स, स्मॉलर रिबॉर्ड और कॉप कैप लाइक एंड लार्ज डोम शेप्ड। द स्मॉलर सब यूनिट हैज ए प्लेटफॉर्म, क्लेफ्ट हेड एंड बेस। द लार्जेस्ट सब यूनिट इज ए प्रोटूबरेंस एंड ए रिज एंड स्टॉक। ऑन द बेसिस ऑफ द सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट द लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स रिस्पेक्टिवली आर 60S एंड 40S, 50S एंड 30S इन 70S राइबोसोम्स। राइबोसोम के अंदर आपको 70S मिलेगा और बाहर 60S एंड 40S। द लार्जर सब यूनिट 28S और 5.8S एंड 5S RNA। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, सब यूनिट पूछी गई है कि लार्ज सब यूनिट हैज़ 28S, 50.8S एंड 5S, RNA 23S और 5S इन 70RS राइबोसोम, वाइल द स्मॉलर सब यूनिट इज 80S RNA, 60S RNA इज 70S राइबोसोम स्मॉल यूनिट। बिसाइड द RRNA राइबोसोम हैज़ ए नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल लाइक कोर एंड स्प्लिट प्रोटीन, स्ट्रक्चर एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन एज कम्पेयर फॉर द RNA। प्रोटीन कंटेंट इज हायर इन द 80S राइबोसोम इन रेशो ऑफ 40:60, वाइल रिजर्व इन टू 70S राइबोसोम 60:40। अ ग्रुप इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू राइबोसोम्स सब यूनिट फॉर ए mRNA। द लार्ज सब यूनिट आल्सो इज अ चैनल फॉर द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड। मैग्नीशियम आयन इज एसेंशियल फॉर द बाइंडिंग द राइबोसोम सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट हैज़ ए पेप्टाइडल ट्रांसफरेज बाइंडिंग साइट फॉर tRNA एंड ए साइट, एंड पी साइट इज जॉइंटली फॉर्मड बाय टू सब यूनिट्स। राइबोसोम्स मे अकर इन द हेलिकल और रॉसेट ग्रुप लिंक्ड बाय mRNA। सच ग्रुप इज कॉल्ड पॉलीराइबोसम रिच और पॉलीसोम। इट इज़ यूजफुल इन द प्रोड्यूसिंग ए नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द सेम पॉलीपेप्टाइड। द राइबोसोम रिमेन अटैच्ड विद द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय 60S सब यूनिट। द 40S सब यूनिट अकर इन द लार्ज सब यूनिट एंड फॉर्म कैप लाइक स्ट्रक्चर। पीटरमैन रिपोर्ट सेवल काइंड ऑफ द RNA फ्रॉम राइबोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ प्यूरिन एंड पिटमिन बेसिस। राइबोसोम आर नॉट अटैच टू द मेम्ब्रेन इन द प्रोकैरियोट, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बट आर कॉमनली मेम्ब्रेन बाउंड इज यूकैरियोटिक सेल।
specially actively secreting ones forming the rough endoplasmic reticulum as well as being attached to the outer surface of the outer nuclear membrane. The origin of the rRNA is nucleolus. The origin of rRNA is the nucleolus. A Golgi apparatus or Golgi complex. It is a complex organelle made up of membrane lined stack or cystine in a network of tubules, vesicle and vacuole, which is first seen by George but studied by Camillo Golgi in 1898. The nerve cells of the burn wall and cat through metabolic impregnation technique. Osmium chloride plus silver salt. Due to the metallic impregnation artifact, the apparatus was once called internal reticular apparatus. Organicular system apparatio reticulora. The concept change offer observation of the apparatus under the electron microscope by the Dalton and Felix. Golgi apparatus is presented in all eukaryotic cells except RBC and sieve tube elements. It is also absent in the prokaryote and sperm, also of the seedless embryophyte. A unit of Golgi apparatus is called Golgisome in plant cells. Golgi apparatus consists of a number of isolated units called the dictyosomes. While in animal, it occur in the single compact or loose complex. The number of Golgi bodies dictyosome in generally 9 to 10 in plant cell, but in very high in cell engaged in the secretory activity. Example, root cap cell and rapid division. Golgi apparatus has a central stack of 3 to 10 curved but parallel membrane lined narrow SI called the cystinae. Cystinae are interconnected unicistral dictyosomes occur in the fungi. Golgi apparatus has two phases, maturing and forming. The convex forming phase receives material from the endoplasmic reticulum associated ER. The cytosol, while concave maturing phase, give out large Golgian vacuoles and small vesicles having transferred material. Vesicles develop from the tubules as well as they are of two types, smooth and coated. Golgi apparatus produce material for secretion, take part in the transformation of membrane, formation of a number of products like glycoproteins, for example, mucin from goblet cells, complex heteropolysaccharide, for example, mucilage from the root cap cells, hormones, melanin, matrix of the connective tissue, middle lamella, acrosome and lysosome. Animal cells usually contain one in granule cell. The Golgi body are usually situated close to the nucleus and has, according to the Graces, definite polarity. They are also known as lipochondria. The membrane of the Golgi apparatus or Golgi complex are lipoprotein and are supposed to be originated from the membrane of the endoplasmic reticulum. In plant cell scales, both organic and inorganic are formed in the GC before being transported to the periphery. In diatoms, the Golgi body give rise to translucent vesicle which collect beneath the plasma lemma, where they fuse to form a silica lemma, in which the siliceous cell wall forms. Two types of the vesicles are budded from high Golgi body. Coated vesicle about 50 nanometer diameter and large secretory vesicles about 100 nanometer diameter, which tend to leave from the trans surfaces. It has a system of outer flattened cystinae which appear the roughly parallel membrane enclosing a space 16 to 90 angstrom with a distance of about 200 angstrom between them. Cystinae and vesicle are associated with the inner cystinae particularly in granular cells. It is also considered as a source of primary lysosomes, membrane bounded particles containing hydrolytic enzymes, and also function as a packing central of the cell. Next baat karte hum. तो इसमें क्या है कि एंड साइटोसोल वाइल इन द कॉनकेव मैच्योरिंग फेस ट्रांस फेस नॉर्मली टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिव आउट लार्ज गोल्जियन वैक्यूल एंड स्मॉल वेसिकल हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड मटेरियल वेसिकल डेवलप फ्रॉम द ट्यूबुल एज वेल एज दे आर ऑफ टू टाइप्स स्मूथ एंड कोटेड गोल्जी अपैरेटस प्रोड्यूस मटेरियल फॉर द सिक्रीशन टेक पार्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइक ग्लाइकोप्रोटीन एग्जाम्पल म्यूसिन फ्रॉम गॉबलेट सेल कॉम्प्लेक्स हेटरोपॉलीसेक्राइड एग्जाम्पल म्यूसिलेज फ्रॉम रूट कैप सेल्स हॉर्मोन्स मेलानिन मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू मिडिल लैमेला एंड एक्रोसोम एंड लाइसोसोम एनिमल सेल यूजली कंटेन वन इन रेगुलर ग्रेनुलर सेल्स द गोल्जी बॉडी आर यूजली सिचुएटेड क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड according to Grace, definite polarity. There are also known as a lipochondria. The membrane of the Golgi complex or apparatus are of lipoprotein and are supposed to be originated from the membrane of endoplasmic reticulum. In plant cells, scales both organic and inorganic, they are formed in Golgi complex before being transported to the periphery. In diatom, the Golgi body give rise to the translucent vesicle which collect beneath the plasma lemma, where the fuse to form a silica lemma, in which the siliceous cell wall forms. Two type of the vesicles are budded from the Golgi body, coated vesicles about 50 nanometer diameter and largest secretory vesicles about 100 nanometer, which tend to the leaf from the trans surface. It has system of outer flattened
cisternae which appear a roughly parallel membrane enclosing a space 60 to 90 angstrom with a distance of about 200 angstrom between them. Cisternae and vesicle are associated with the inner cisternae, particularly in the glandular cells. It is also considered as a source of primary lysosome membrane bounded, particularly containing the hydrolytic enzyme, and also function as a packaging central of the cell. तो आज हम यहीं तक करेंगे इस वीडियो के अंदर. नेक्स्ट हम जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम अगले वीडियो के अंदर देखते हैं. तो आज हमने जो बात की है मेनली सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे थे. तो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात की, सेल थ्योरी देखी, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी देखी, ऑर्गेनिज्मल थ्योरी, फिर सेलुलर ऑटोनॉमी, उसके बाद हमने टोटिपोटेंसी की बात की, वॉल्यूम रेशियो देखा सरफेस का, साइज़ और शेप की बात की, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल डिफरेंसेस देखे, फिर प्लांट और एनिमल सेल की को डिस्कस किया, सेल वॉल हमारा पहला टॉपिक था, फिर सेल मेम्ब्रेन की बात की, फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात की, प्लाज्मा एलिमा, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और गॉल्जी अपैरेटस. आगे वाले हम जो हमारे ऑर्गेनिल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. तो आप फटाफट इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम. बार बार रिवीजन कीजिए और फटाफट रिवीजन कीजिए. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.